हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ओपन डाइस का टाइप 3 लेके आए हैं। यह ओपन डाइस का रियल मॉडल है। इसके थ्रू ओपन डाइस के प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे। इससे पहले की वीडियो जो ओपन डाइस का था, उसमें मैंने तीन तरह के सवालों को बताया था। टाइप 3 लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि अपोजिट फेसेस का रूल यहाँ पर फेल हो जाता है। अपोजिट फेस के आधार पे आप ऐसा आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको रोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वजह से काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया था। तो आज हम रियल मॉडल और पेन दोनों के थ्रू समझाएंगे ओपन डाइस का यह टाइप 3। आप लोग ऐसा केयरफुल्ली देखिए, क्योंकि इसमें ऐसा फंसने का चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आपको रोटेशन समझ में नहीं आएगा तो इस तरह का सवाल आपसे बनेगा नहीं। तो इसीलिए चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 3 को डिटेल में। एक एक ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे पेन के थ्रू भी और रियल मॉडल के थ्रू भी। तो सबसे पहले हम लोग अपोजिट फेस का देख लेते हैं कि किस आधार पे यह फेल हो रहा था। आपको अपोजिट फेसेस जाना है कि तरह तरह के ओपन डाइस में कौन कौन सा अपोजिट फेस होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अपोजिट फेस इस ओपन डाइस में कौन कौन सा होगा। फाइव डॉट जो है वह स्क्वायर का अपोजिट होगा, जो हाइस है वह डबल सर्किल का अपोजिट होगा, और जो क्रॉस साइन है वह पेंटागॉन के अपोजिट होगा। ठीक है, फाइव डॉट हो गया अपोजिट आपका स्क्वायर का, हाइस आपका अपोजिट हो गया डबल सर्किल का, और आपका क्रॉस साइन अपोजिट हो गया पेंटागॉन का। अब देखिए, ये सारे अपोजिट केसेस है, अगल बगल नहीं हो सकता है। तो इस आधार पे हम लोगों का बाकी सवाल बन जाता था, टाइप 3 नहीं बनता है। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में डबल सर्किल है सो ये सेकेंड वाले ग्रुप से है, क्रॉस साइन है सो थर्ड वाले से है, और फ्रंट का जो स्क्वायर है वह फर्स्ट वाले से है। तो ये सार चूंकि कोई भी एडजेसेंट पे नहीं आया, सारे अलग अलग ग्रुप से लिए गए, तो ऑटोमेटिक यह क्या हो गया, अपोजिट फेसेस ही हो गया। तो इसके अनुसार अपोजिट फेस रूल के अनुसार यह सही होगा। सेकेंड ऑप्शन में देखिए, फाइव डॉट है सो फर्स्ट ग्रुप से है, हायर सो सेकेंड से है, और क्रॉस है सो थर्ड से। ये अगेन अपोजिट फेस अगर अप्लाई करते तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो डबल सर्किल देखिए सेकेंड से है, क्रॉस है सो थर्ड से है, और स्क्वायर है सो फर्स्ट से है। तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, पेंटागॉन थर्ड से है, फाइव डॉट फर्स्ट से है, और डबल सर्किल सेकेंड से है। अगेन ये अलग अलग से है, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अनुसार सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, जबकि क्वेश्चन हमारे ये है कि इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। मतलब तीन ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो कि गलत होगा। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। हम लोग सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन वन। ऑप्शन वन में देख रहे होंगे, फ्रंट पे है आपका स्क्वायर, राइट साइड में है आपका क्रॉस साइन, और टॉप पे है डबल सर्कल। तो ये वाला पोर्शन हम लोग ओपन डाइस में देखते हैं कौन सा है। तो आप ये देखें, ये वाला पोर्शन है। इस पोर्शन को हम निकाल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक्चुअली में इसको फोल्ड करेंगे तो क्यों भी बनेगा, लेकिन हमारा सिर्फ ये तीन फेसेस से मतलब है। तो ये हो गया आपका क्रॉस, ये हो गया डबल सर्किल, और ये हो गया स्क्वायर। इसको जब हम लोग क्यूब में बनाएंगे, ठीक है, तो क्रॉस साइन ऊपर में हो जाएगा, फ्रंट पे हो जाएगा आपका स्क्वायर, और डबल सर्किल हो जाएगा राइट साइड में, जो कि आप फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा कि अपोजिट दिया हुआ है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा जो नॉट पॉसिबल केस होगा, और यही सही आंसर होगा हमारा। लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं ताकि पता चलेगा कि कहाँ पर रोटेशन होगा और यह सवाल गलत हो जाएगा। ऑप्शन वन में डबल सर्किल, क्रॉस और स्क्वायर से हमें मतलब है। कहने का मतलब ये तीनों फेज है सो हमें दिख रहा है। तो हम लोग जब क्यूब बनाएंगे तो यही तीनों फेज हमें नज़र आना चाहिए। तो चलिए इसे हम लोग फोल्ड करके क्यूब बना लेते हैं। ये देखिए हमारा क्यूब तैयार है। अब देखिए कि फ्रंट में तो स्क्वायर है, चलिए ठीक है,
टॉप पे जो आपका है क्रॉस है और राइट साइड में डबल सर्किल है, जबकि ऑप्शन वन के अनुसार डबल सर्किल टॉप पे और क्रॉस राइट में होना चाहिए, जबकि फ्रंट में आपका स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन में आपका हाइज है, क्रॉस है और फाइव डॉट है, तो ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, इसको निकाल लीजिए। ये हाइज हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये फाइव डॉट हो गया। इसको जब हम लोग क्यूब में बनाते हैं तो क्यूब हमारा ऐसा बनेगा। तो ये कौन सा हो गया, सेम टू सेम आ गया, तो ये क्या हो गया, पॉसिबल केसेस हो गया। हमको नॉट पॉसिबल केस खोजना है। ऑप्शन दो में फाइव डॉट, हाइज और क्रॉस का इस्तेमाल हुआ है। कहने का मतलब जो हम क्यूब बनाएंगे उसमें हाइज, फाइव डॉट और क्रॉस नजर आएगा। तो चलिए हम लोग इसे फोल्ड करके पहले क्यूब बना लेते हैं। तो देखिए हाइज है सो फ्रंट पे है, क्रॉस राइट पे है और फाइव डॉट है सो टॉप पे है, मतलब पॉसिबल केस। नंबर थ्री में देखते हैं, देखिए नंबर थ्री में क्या है, सबसे पहले क्रॉस है फ्रंट में, राइट साइड में स्क्वायर है और टॉप पे क्या है, डबल सर्किल है। तो इसमें कौन सा पोर्शन आएगा, तो आप इसमें देख रहे होंगे ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, इस पोर्शन को हम निकाल लेते हैं। ओके, इसको हम लोग क्यूब बना लेते हैं। क्यूब बनाएंगे तो क्रॉस साइन टॉप पे जाएगा, फ्रंट पे आपका आएगा स्क्वायर और राइट साइड में आएगा डबल सर्किल। इसको अब है सो हम ऊपर से एक बार रोटेट कर देंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है उसमें क्रॉस क्या है, फ्रंट में है, तो हम फ्रंट में इसको लाते हैं। अब ऊपर से रोटेट करेंगे तो क्यूब हमारा कैसा हो जाएगा, ये क्रॉस साइन यहां आ जाएगा, उसके बाद है सो आपका डबल सर्किल यहाँ का यहीं ही रहेगा और ये जो है आपका जो फ्रंट में था जो स्क्वायर है वह कहाँ चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। इसको एक और रोटेशन करना पड़ेगा राइट साइड से ताकि ये है सो ऊपर चला जाए डबल सर्किल जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड में है। तो क्रॉस साइन यहीं का यहीं रह जाएगा, डबल सर्किल रोटेट होकर कहाँ ऊपर चला जाएगा और जो नीचे स्क्वायर था वो आ जाएगा राइट साइड में। तो आप देख रहे होंगे सेम टू सेम ऑप्शन थ्री की तरह आ गया है, तो ये कौन सा केस होगा, ये पॉसिबल केस होगा। ऑप्शन तीन में क्रॉस, डबल सर्किल और स्क्वायर की जरूरत है, तो फ्रंट में हमारा यही तीन फेस है सो नजर आना चाहिए। तो चलिए इसे फोल्ड करके हम लोग सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं। तो देखिए फ्रंट पे स्क्वायर, टॉप पे क्रॉस और राइट पे डबल सर्किल दिख रहा है, जबकि ऑप्शन तीन के अनुसार हमें क्रॉस साइन ऐसो फ्रंट में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ऊपर से एक बार रोटेट करेंगे क्यूब को। देखिए अब रोटेट किए तो डबल सर्किल है सो राइट में, क्रॉस है फ्रंट में और फाइव डॉट टॉप पे आ गया है। अब हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज एक बार रोटेट करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही हम रोटेट किए, क्रॉस है सो हमारा फ्रंट पे, डबल सर्किल टॉप पे और स्क्वायर हमारा राइट साइड में आ गया, पॉसिबल केस। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चार। ऑप्शन चार में देखिए फाइव डॉट है यहाँ से, ओके, डबल सर्किल और पेंटागॉन, ये तीन चीज का जरूरत है हमें। तो हम जो ओपन डाइस से जो पोर्शन निकालेंगे वह ऐसा होगा, ये क्रॉस को हम लोग छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि इसका हमारे पास जरूरत नहीं है। डबल सर्किल को लेते हैं और ये हमारा हुआ पेंटागॉन, ओके। अब अगर इसको हम क्यूब बनाएंगे तो कैसा बनेगा,
फाइव डॉट ऊपर चला जाएगा। फ्रंट में आपका है सो व्हाइट पोर्शन रहेगा, राइट साइड में आपका डबल सर्किल रहेगा, और ये जो आपका पेंटागॉन है वे बैक साइड में चला जाएगा। अब चूंकि ऑप्शन चार में फाइव डॉट कहाँ है, फ्रंट पे, तो इसको हम लोग ऊपर से रोटेट करेंगे। जब ऊपर से रोटेट करेंगे तो फाइव डॉट क्या होगा, फ्रंट पे आ जाएगा, पेंटागॉन है सो टॉप पे चला जाएगा और डबल सर्किल अपनी जगह पे ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है ऑप्शन फोर वे भी पॉसिबल केस है। ऑप्शन चार में फाइव डॉट, डबल सर्किल और पेंटागन की जरूरत है, तो चलिए हम लोग इसे फोल्ड करके क्यूब बनाते हैं। लेकिन ऑप्शन चार में क्रॉस की जरूरत नहीं है, तो इस सरफेस को हम लोग व्हाइट सरफेस मान के चल रहे हैं क्योंकि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऊपर में फाइव डॉट, क्रॉस, डबल सर्किल और पेंटागन, ये चार का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड किए तो क्रॉस हो गया आपका फ्रंट पे, टॉप पे आ गया फाइव डॉट, राइट साइड में आ गया डबल सर्किल और पीछे की ओर आ गया पेंटागन। लेकिन ऑप्शन चार में है सो आपका फाइव डॉट है सो फ्रंट में, इसलिए इसे रोटेट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे रोटेट करेंगे, फाइव डॉट तो फ्रंट पे आ ही गया, साइड में जो राइट साइड में आपका डबल सर्किल और टॉप पे पेंटागन आ गया, इसलिए यह एक पॉसिबल केस है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ एक ऑप्शन है सो नॉट पॉसिबल केस होगा, और वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रोटेशन पता होगा रोटेशन कैसे करना है। अगर आप रोटेशन अप्लाई करके सभी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। जैसे अगर आप बिना रोटेशन का देखते हो तो टाइप वन तो चलिए आपको लग रहा है नॉट पॉसिबल केस, लेकिन टाइप थ्री और टाइप फोर भी नॉट पॉसिबल केस लगेगा। आपको तभी कन्फर्म हो पाएंगे कि ये गलत ऑप्शन है जब आप ऐसे रोटेशन को अप्लाई करेंगे। तो रोटेशन को इमेजिन करना, अप्लाई करना ज़रूरी है, इसीलिए सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।